साइक्लोन यास से बंगाल ओडिशा में 1 करोड़ लोग प्रभावित। आज पीएम मोदी करेंगे दौरा, बंगाल में सीएम ममता से भी हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले विवाद, टीएमसी सूत्रों ने कहा अगर शुभेंदु को बुलाया तो नहीं जाएंगी ममता। दिल्ली लौटने से पहले बंगाल के कलाई कुंडा में एक समीक्षा बैठक करेंगे पीएम। 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द होंगे या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभिभावकों समेत कई राज्यों ने की परीक्षा रद्द करने की मांग। नारदा केस मामले में आज फिर होगी सुनवाई, टीएमसी नेताओं की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 12 बजे से होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में आज होगा विधायकों का शपथ ग्रहण, मंत्री ब्रत्य बसु और रथिन घोष समेत 12 विधायक विधानसभा में लेंगे शपथ। महामारी से संक्रमित होने की वजह से डिजिटल माध्यम से कराई गई थी शपथ। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे 226 ग्राम प्रधानों से रूबरू। तेलंगाना सरकार की डॉक्टरों को सौगात, सरकार ने बढ़ाया सीनियर डॉक्टर्स का वेतन, 1 जनवरी 2021 से लागू होगी वेतन वृद्धि। देश में महामारी से थोड़ी राहत, 1,86,000 मामले आए सामने, 44 दिनों में सबसे कम आंकड़ा, दक्षिणी राज्यों में कहर अब भी जारी। राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आज होने की उम्मीद, लोगों को मिल सकती है राहत। मानसून पर ताउते यास का प्रभाव नहीं, 31 मई को ही पहुंचेगा केरल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए बशर अल असद, 95% हासिल किए वोट, कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, वैक्सीन पार्टनरशिप पर भी हुई चर्चा, अमेरिका ने दिया मदद का भरोसा। मेहुल चोकसी को किसी दूसरे देश भेजा जाए या नहीं, डोमिनिका की अदालत में आज होगी सुनवाई, भारत कर रहा है प्रत्यर्पण की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आज अफगानिस्तान स्थित दूतावास बंद करेगा ऑस्ट्रेलिया, राजनयिक अफगानिस्तान की नियमित रूप से करेंगे यात्रा। अमेरिका ने रूस के सामने साफ किया अपना रुख, ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते में फिर से नहीं होंगे शामिल, अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने रूस के अधिकारियों को दी जानकारी। शेयर बाजार में तेजी का रुख, सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उछला सेंसेक्स, रिकॉर्ड स्तर पर खुला निफ्टी। सोशल मीडिया साइट्स पर सख्त मोदी सरकार, ट्विटर को केंद्र की 2 टूक, कहा इधर उधर की बातें बंद करें और भारत के नियम माने। शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी काउंसिल के फैसलों को देंगी जानकारी, महामारी के दौर में राहत की उम्मीद। बंद हो सकती है आधी से ज्यादा छोटी कंपनियां और स्टार्टअप, एक सर्वे के मुताबिक महामारी की वजह से लोगों के पास व्यापार के लिए नहीं बचा पैसा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, चक्रवाती तूफान यास के चलते रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में ट्रेनें रद्द।